व्यूअर्स, वेलकम बैक टू रॉयल कैफे वंस अगेन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और आपको बताऊं कि ब्रेक के दौरान एक और हमारी बहुत प्यारी सी गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। प्रोफाइल अगर उनका बताऊं तो एक्ट्रेस हैं, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और पश्तो मूवीज़ में काम कर चुकी हैं, इनफेक्ट कर भी रही हैं। इसका मतलब है कि कोई ज़ुबान इन्होंने छोड़ी नहीं जिनकी मूवीज़ में इन्होंने काम ना किया। उसके अलावा थिएटर पर बहुत ज़्यादा काम किया, करेंटली डिफरेंट सीरियल्स में भी काम कर रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रुखसार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रॉयल कैफ़े और आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। क्या चल रहा है जी आजकल? इतना काम किया, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, और कोई ज़ुबान रह नहीं गई थी? नहीं, मेरा ख्याल है कि कोई नहीं रह गई ये ज़ुबान। तो ये है कि कोशिश करूँगी और भी बेहतर से बेहतर, बिल्कुल बिल्कुल, जितना हो सके काम कर सकूँ। तो अभी ये है कि टीवी वगैरह कर रही हूँ। ठीक है, थिएटर मैंने काफ़ी अर्सा किया। थिएटर आपने बताया कि आपने काफ़ी अर्सा काम किया थिएटर पे। थिएटर मैंने तकरीबन मोस्टली, मेरा ख्याल है कि मुझे 15 साल हो गए। 15 साल? अच्छा। लेकिन मैंने उस टाइम थिएटर पे काम किया जब थिएटर होता था। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इम्पोर्टेंट बात यह कि जिस ज़माने में थिएटर वाकई थिएटर होता था। आज से 5-6 साल पहले लगा लें कि थिएटर पर काम होता था। ठीक है, तो मैंने उस टाइम काम किया, मतलब मेरे काफ़ी प्लेज हैं। लास्ट मैंने प्ले किया था एक तेरा सनम खाना। सही, जो मैंने पूरी दुनिया में किया, अमेरिका, कनाडा। अच्छा, ये जो था एक तेरा सनम खाना, क्या मेन कास्ट क्या थी इसकी? इसमें सुहेल अहमद साहब। अच्छा। थे, अमानत चंद थे, सारे बड़े नाम, मतलब जितने बड़े नाम हैं, बहुत से सीनियर आर्टिस्ट, जूनियर भी थे, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे सारे। अच्छा, सुहेल साहब की मैं बात करूं तो उनके लिए तो हमेशा यही कहते हैं कि खुद अपने अंदर एक इंस्टीट्यूशन है, अपने अंदर एक इदारा है। कैसा लगा उनके साथ काम करके आपको, और क्या क्या सीखा इनफैक्ट उनके साथ आपने? बहुत कुछ सीखा, और वो राइटर भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, और डायरेक्टर तो हैं ही ऑब्वियसली, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। बिल्कुल, और मैं ये समझती हूँ उनके साथ काम करने से बड़ा कुछ सीखा मैंने। बहुत कुछ सीखा आपने। और बहुत अच्छे अच्छे प्लेज उन्हीं के मैंने किए, जो मतलब राइटिंग भी उन्होंने की थी। और उसमें ये था कि वो आर्टिस्ट को देख के लिखते थे स्क्रिप्ट, मतलब जो उनको लगता था कि सूट कर रहा है, सूट कर रहा है, तो उसी टाइप का रोल लिखना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। तो मतलब ये कि अब ये चीज़ें सारी कहाँ गई हैं? कहाँ गई हैं, नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। और थिएटर जो है ख़त्म हो चुका है। फैमिलीज आती थी, इतनी अच्छी अच्छी फैमिलीज आती थी, और हमें खुशी होती थी कि हम अपनी बहन, बेटियों, माओ बाप के साथ थिएटर देख लेते। बिल्कुल, थे बिल्कुल, और कोई ना कोई लेसन होता था, लेसन होता था उसमें, और उसको मतलब ये है कि महसूस करके लोग जाते थे ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। तो अब थिएटर में ऐसा है कि अब तो थिएटर हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। तो मैं ये चाहती हूँ, बल्कि ये मेरा मैसेज भी है कि थिएटर को होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, ये हमारा ये हमें सुकून देता है, ये हमें मतलब एंटरटेनमेंट देता है, तो इसमें ये सारा कुछ होना चाहिए। थिएटर को थिएटर ही होना चाहिए। बिल्कुल, इस चीज़ को मैं मज़ीद भी डिस्कस करूँगी कि क्या वजूहात बनी। उमर खामोश बैठे हुए अच्छे नहीं लग रहे, इतनी ज़्यादा वो आ गई है मुझे अब, काली जुल्फे, काली जुल्फे, क्या बैकग्राउंड क्या है ये काली जुल्फों का, जो लोग इतनी फरमाइश कर रहे हैं बार बार काली जुल्फे का? नहीं नहीं, ये नहीं, मुझे बताओ मसला क्या है ये काली जुल्फे। मैंने वो जिक्र किया था, एजाज भाई कह रहे थे कि काली जुल्फे आपने ट्रैक परफॉर्म करना है, तो वो मैंने किसी को डेडिकेट करना है। उन्होंने किसी को डेडिकेट करना, उन्होंने करना, मैंने नहीं करना। नहीं, वैसे अगर तुमने करना है तो तुम बता सकते हो। नहीं नहीं, लेकिन अपना प्रोग्राम नहीं, अभी काली जुल्फे थोड़ा लेट है। सही, लेकिन उस भी इस वक्त तो काली किसी की भी नहीं है, हम दोनों की ब्राउन ही है, ब्राउन है। लेकिन इसीलिए तो मैं परफॉर्म भी नहीं कर रहा हूं। नहीं नहीं, हम चाहेंगे कि आप परफॉर्म करें, जरूर करें। और आप सुनाएं। नहीं, अब मैं अभी जो गाना परफॉर्म करूंगा, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, किशोर कुमार का रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा, वन ऑफ माय फेवरेट। अच्छा, ये किसको डेडिकेट करोगे? डेडिकेट तो करना पड़ेगा। आपको कर देता हूँ, फिर और किसको कर सकता हूँ? ए रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। ए रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना,
भूल कोई हमसे ना हो जाए। ए रात नशीली है मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। हाय शराबी मौसम बहकाए, धूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। ओ आंखों से आंखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे, आंखों से आंखें हाय मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। कैसे भला कोई दिल को समझाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। Lovely, lovely, really wonderful, wonderful. कैसे लगा रुखसार? क्योंकि आपके मुझे एक्सप्रेशन ही बता रहे थे कि आप बहुत एंजॉय कर रही हैं। बहुत ज्यादा, और ये वो सॉन्ग्स हैं जो सदा बहार हैं। Exactly, evergreen songs. बहुत जबरदस्त, और माशाल्लाह इन्होंने गाया भी बहुत अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि गाया बहुत अच्छा। ये बड़ी बात होती है कि किसी का सॉन्ग गाना और इस तरह अच्छे तरीके से गा रहे हैं। गाना जो कि मतलब एक एवरग्रीन सॉन्ग है और हर किसी का मेरे ख्याल से मोस्ट फेवरेट सॉन्ग भी होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये मुझे डेडिकेट किया तो मुझे पसंद कैसे ना आता। इट वॉज रियली लवली, बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा रुखसार, स्टेज के हवाले से हम बात कर रहे थे, स्टेज पे काम करने के बाद फिर मूवीज में आप आई या सीरियल्स की तरफ? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली मैं स्टार्ट मेरा मूवीज से हुआ था। अच्छा, स्टार्ट मूवीज से? हाँ जी, ठीक। तो कुछ अर्सा ही मैंने शुरू किया काम, तो मुझे थिएटर की ऑफर आ गई। सही, थिएटर करना बहुत डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट था एक नई लड़की के लिए आना, एक स्टेज पे परफॉर्म करना, चलना स्टेज पे ऑडियंस के सामने, इतनी ऑडियंस के सामने फेस करना बहुत डिफिकल्ट था। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये कि मेरे एक उस्ताद थे तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया। ठीक है, थिएटर के ही थे, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से मुझे कैटवॉक सिखाई। कैटवॉक सिखाई सबसे? अच्छा। पहले इसके लिए जो है ना, थिएटर के लिए चलना समझना, क्योंकि आपके सामने बिल्कुल ऑडियंस बैठी हुई है। बिल्कुल, क्योंकि आपको रिस्पांस सामने मिल जाता है, आपने गलत किया है या सही किया है, तो वो रिस्पांस आपका सामने ही आ जाता है। तो उसको बड़ा सोच समझ के और बड़े तरीके से चलना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो मैंने थिएटर से फिर सबसे पहले मैंने ये कैटवॉक सीखी, फिर मुझे डायलॉग डिलीवरी मैंने सीखी। अच्छा, मतलब सीखी क्या, अभी भी मैं मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन ये है तो खैर आपका बड़ापन है। और इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो बंदा ये जहन में बिठा लेना कि वो सीखता जा रहा है। बिल्कुल, अभी तो भी सीख रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अभी भी हम सीख रहे हैं। तो मतलब मैं फिल्म से आई थी, फिल्म में तो ये है कि कैमरे लगे होते हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी है वो आपका रिकॉर्ड हो गया। ये जो है ये सामने ही आपको जो भी जवाब चाहिए होता है वो फौरन मिल जाता है। मिल जाता है, बिल्कुल ठीक। तो वो बड़ा मेरे लिए मुश्किल था। कि हमारा अभी तक का जो प्रोग्राम है हमारी प्यारी सी रुखसार और हमारे हैंडसम से उमर मलिक के साथ, आप इसको जरूर इंजॉय कर रहे होंगे। अगेन मुझे यहाँ पे लेना है एक छोटा सा खट्टा मीठा ब्रेक, तो आप देखते रहिए रॉयल कैफे, और मैं वापस आती हूँ ब्रेक के बाद।